सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे, लेकिन नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी गाइस, वीडियोस थोड़ी सी डिले आ रही हैं, उसका मेन रीज़न मेरा एग्जामिनेशन है। इस साल मेरा 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो इसलिए काफ़ी सारा फोकस उस पर भी है। सो ऐसे में वीडियोस थोड़ी सी डिले आ रही है, बट हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि काफ़ी सारी वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर दे दूँ। जहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रियलमी नार्जो 30 सीरीज के बारे में। और गाइस, ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए हो जाती है बिकॉज ये जो स्मार्टफोन होने वाले हैं वो कमाल के होने वाले हैं, और इसमें से जो एक स्मार्टफोन है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। जहाँ पर गाइस, रियलमी नार्जो 30 सीरीज को लेकर फ्लिपकार्ट के ऊपर लैंडिंग पेज भी सामने निकल कर आ चुका है। माधो सेठ ने Realme Narzo 30 Pro का जो बॉक्स है वो भी यहां पर रिवील कर दिया है। ब्लू कलर के स्काई ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर काफी कमाल के लुक के साथ आता है। हालांकि फोन का बैक साइड डिजाइन आप देख सकते हो, वही ट्रेडिशनल Realme डिजाइन के साथ में आते हैं। बट हां, ओवरऑल अगर बात करें तो इस फोन को लेकर काफी सारी स्पेक्स सामने निकल कर आ चुकी है। जहां पर इस सीरीज का एक पोस्टर भी लीक होकर सामने आया था, जहां पर यह कंफर्म हो चुका है कि Realme Narzo 30 सीरीज के अंदर आपको इस बार Realme Narzo 30 तो अभी नहीं देखने को मिलेगा, Realme Narzo 30 Pro और Realme Narzo 30 Ace स्मार्टफोन कंफर्म देखने को मिल जाएंगे। और जो लॉन्च डेट है वो भी कंफर्म हो चुका है, 24th February को ये डिवाइस आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जहां पर जो Realme का Narzo 30 Pro स्मार्टफोन है, इसको लेकर ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आ चुके हैं लॉन्च से पहले, प्राइस भी सामने निकल कर आ चुकी है। पर जो Realme का Narzo 30 A स्मार्टफोन है, जो इससे कम प्राइस के ऊपर आएगा, वो उतना खास भी नहीं है और इसकी स्पेक्स भी सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन जो प्रो मॉडल है ना, ये बहुत ही कमाल के चिपसेट के साथ में, 5G कनेक्टिविटी के साथ में, कमाल के डिस्प्ले के साथ में, ऑसम बैटरी और कैमरा भी कमाल का रहने वाला है। तो अगर आप भी 15,000 से लेकर 20,000 के करीब एक 5G फोन बाय करना चाहते हो, साथ में स्पेक्स भी बहुत ही तगड़े हो, तो Realme Narzo 30 Pro को जरूर देख सकते हो। चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ स्पेक्स इस फोन के साथ देखने को मिलेंगे। सो एक कंफर्म हो चुका है कि Realme Narzo 30 Pro के साथ में आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 800U चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी रिसेंटली आपको Realme की तरफ से Realme X7 सीरीज के Realme X7 स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिला है, जहां पर यही सेम चिपसेट आपको 20,000 के ऊपर देखने को मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कुछ प्राइस के ऊपर ये फोन आने वाला है ना, एक कमाल का ऑप्शन हो जाएगा 5G के अंदर। बाकी गाइस, ओवरऑल उसी के साथ अगर बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के साथ में ना, डिस्प्ले की, तो वो भी आपको कमाल की देखने को मिलेगी। इस बार आपको कोई भी एमोलेड डिस्प्ले तो नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि इस बार आपको डिस्प्ले के अंदर 120Hz हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा, वही सिंगल पंचोल कटआउट आपको देखने को मिलेगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर। बट हाँ, डिस्प्ले के अंदर एक IPS LCD पैनल होगी, लेकिन गाइस मेरे अकॉर्डिंग यहां पर एक बैलेंस डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब एक 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट ही दे दो, 120Hz हमें नहीं चाहिए, साथ में एमोलेड पैनल दे दो तो ज्यादा बेस्ट होगा। स्मूथनेस प्लस डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। बाकी आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी अगर बात करें इस फोन के बैक साइड की, तो यहां पर आपको ट्रेडिशनल वही पुरानी Realme डिजाइन देखने को मिलेगी, जहां पर आपको स्क्वायरी बॉक्स डिजाइन के अंदर कैमरा कटआउट देखने को मिल जाएंगे। जहां पर जो प्राइमरी लेंस होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, फ्रंट साइड में 16 यानी 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा पंचोल कटआउट के अंदर। बाकी फोन में आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। उसी के साथ में इस फोन के अंदर ना आपको एक बहुत ही कमाल की चीज दी गई है, जो कि 5000mAh बैटरी और उसी के साथ में 35W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए स्पेक्स को ना, MediaTek Dimensity 800U, एक हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, एक लंबी बैटरी और ओवरऑल ठीक ठाक सा कैमरा आपको देखने को मिलेगा। और इन सभी के साथ इस फोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो है 15,000 से लेकर 18,000 के बीच, मतलब MediaTek Dimensity 800U का एक लास्ट स्मार्टफोन Realme X7, जो कि 20,000 के ऊपर देखने को मिलता है। तो अभी जो स्मार्टफोन है वो आपको 20,000 के अंदर देखने को मिलेगा, तो एक काफी कमाल का ऑप्शन होगा इस प्रोसेसर के साथ में। और इस प्रोसेसर के साथ में आपको बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, साथ में 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, तो फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन होगा। उसी के साथ इस फोन के जो बाकी स्पेक्स हैं वो भी काफी कमाल के, तो एक काफी कमाल का ऑप्शन होगा अगर इसे ग्रेट प्राइस पर Realme लॉन्च करती है। बाकी आप क्या कहते हो Realme Narzo 30 Pro को लेकर, और आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ प्राइस होनी चाहिए इस फोन की, नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी 24th February को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ऑफिशियली, तो आप वेट कर सकते हो इस स्मार्टफोन का, अगर आपको भी एक कमाल का 5G स्मार्टफोन बाय करना है। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो, कंटेंट में दम लगाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं एक नए और कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।